नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अगरतला में हापानिया मेला। और हापानिया पर एक जगह का नाम है और वहीं पर लगता है मेला, मेला ग्राउंड में। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं। ले लूं एक बना दो। कान के लेगा, कान के देख ले तब तक। मेला ग्राउंड में आपको खूब सारी यहाँ पर नमकीन के ही ठेले मिलेंगे। देखिए ये सारे नमकीन के ही हैं और अधिकतर मूढ़ी। तो नमकीन और मूढ़ी मेरे को अधिकतर दिखाई दिया। और इस साइड ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट साइड नमकीन तो बिकती है बहुत ज़्यादा और काफ़ी तीखी भी रहती है। तो ये सब वही है और उस साइड वही मूढ़ी के स्टॉल हैं। और नीचे हम आप थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे। नीचे यहाँ पर ग्राउंड में सुंदर सा बगीचा बना रखा है और खूब सारे फूल भी यहाँ पर खिल रखे हैं। तो ये वहाँ पे पार्क टाइप का है और उसी में ये मेला भी लगता है। और यहाँ पे बना हुआ है तालाब। ऐसा नहीं है कि इस मेले में हम पहली बार आ रहे हैं। यहाँ पर हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं और काफ़ी, वैसे अधिकतर हम रात को ही यहाँ पर आते हैं। इस टाइम पे हम यहाँ पर शाम को आए थे 4 बजे के टाइम पे। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच रहे हैं। फ़ोटो देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम में जा सकते हैं, वहाँ पर मेरे परिवार की फ़ोटोज रहती हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा घूम के ऊपर को चले गए थे। और थोड़ी देर में जैसे रात हो जाएगी तो यहाँ पर लाइटिंग शुरू हो जाएगी और लाइटिंग में काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पर। और ये ही रहे ग्रीन स्क्रीन की तरह यहाँ पर। आप पिछले साल हमने यहाँ पर खूब सारी फ़ोटो ली थी, तो इस साल तो नहीं ली। ऐसा लगता है कि जैसे किसी पर्दे में हम फोटो ले रहे हैं, तो उस तरह का बना हुआ है ये। और यहाँ पे देखिए हम चाउमीन खाने के लिए बैठ गए हैं। हमें यहाँ पे चाउमीन तो नहीं खाना था, पर वेज मोमो नहीं मिले हमें, इसलिए हमने चाउमीन खाया। और चाउमीन में भी कोई बिल्कुल स्वाद ही नहीं था। मतलब क्या था, ऐसा लग रहा था क्यों पैसे बर्बाद कर दिए हमने। लगता है उन्होंने सोचा वेज खा रहे हैं तो कुछ डालना ही नहीं है। ठीक है। और चलिए थोड़े से स्टॉल देख लेते हैं। और ये बैग है ना, ये प्लास्टिक के उससे बने रहते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे थे यहाँ पे, कम से कम 500, 600, 800, 900 रुपए के। इसलिए आप कोई हैं अगरतला से तो बताइएगा ज़रूर कहाँ पे ये मिलते हैं, मुझे लेना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये अंदर की तरफ भी स्टॉल लगे रहते हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान आपको अगर लेना है अपने रुचि के अनुसार तो आप ले सकते हैं। सूट भी मिलती है यहाँ पे, जूतियाँ मिल जाती हैं। अलग अलग जगह के लोग आकर यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। कश्मीरी सूट यहाँ पर बिकती हैं और जैसे कि जयपुरी जो चाट होती है, नमकीन होती है, उस तरह का भी यहाँ पे स्टॉल लगा रहता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। और यहाँ पर बाहर पर हम लोग इसके अंदर लगा रहता है, देख रहे हैं लाइटिंग यहाँ पर, तो इसके अंदर लगा रहता है। और इस स्टॉल में पूरा बांस का बना हुआ सामान बिक रहा था। काफ़ी अच्छी तरह बांस के सामान को सजाया भी था। क्या हुआ? ये दे दो। ये भी 250 ग्राम। फिर दोबारा से हम नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमें खाने थे अब गोलगप्पे। तो हम अब जा रहे हैं गोलगप्पे को खाने के लिए। और यहाँ की स्टॉल में सबसे पहले ग्राहक हम ही थे, तो यहाँ पर अभी बन ही रहा था और वो पूछ रहे थे कि आपको कितना तीखा खाना है, ये नमक हुआ है या नहीं। और वैसे भी हम लोग कम तीखा खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर खा के गोलगप्पे।
और बस थोड़ी देर में हो चुका है यहाँ पर अंधेरा, और अंधेरे में लाइटिंग देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है श्रेया कठारे जी आपको? सिग्मा। वैसे इस मेले में हम खरीदारी करने नहीं, खाने आए हैं, तो पूरे ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ खाते हुए हम लोग दिखाई दे रहे होंगे। सबसे अच्छा यही लगा था चाक, जो बनता है मटर से, और यहाँ पर उसमें डाली जाती है इमली की चटनी जाने जैसा है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के साथ आज का मेला यहीं पर हम गए थे उसका भी समापन होता है और ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ब्लॉग देखने के लिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी।